तो बेटा 14.2 का थर्ड उसका सेकंड पार्ट किया, दैट इज मीन फाइंड करना था। हां तो बेटा ये जो है तुमने क्या फाइंड किया, सीआई जो है इसमें एफ आई ए वाला एक्स आई होगा, ये कैसे है बेटा 1/5 इसका सब बराबर का सम डिवाइडेड बाय 2, और ये कैसे आया सेम बराबर का सम डिवाइडेड बाय 2, ये कैसे आया सर सिमिलर है, सिमिलर है यस सर, सिमिलरली करते हो तो कैसे सही सर, लोअर क्लास को और अपर क्लास को पहले प्लस करेंगे क्यों, हम ऐसे कर लेंगे तो 500 सब ऐड कर देंगे तो यस सर, तो टाइम कम लगेगा यस सर, क्योंकि जो इंटरवल 500 कर दिया तो सब में 500 ऐड कर दो यहां तक आ जाए। अच्छा फिर तुमने डीआई फाइंड किया, डीआई का डी फॉर क्या होता है, डी क्या होता है सर, डीआई जो होता है डेविएशन, तुमने एक्स आई माइनस ए किसको बोला तुमने सर, 1750 सही लिखा होगा, अच्छा ऊपर चला गया, अच्छा सर ठीक ठीक, तो उसके बाद ऐसे करते देखते देखते तो करने के बाद हुआ नहीं 2.0, इसका एडिशन कितना किया, अच्छा तुम ऐसा लिखा कि ऐसे ऐड हो, ऐसे ऐसे किया था, अच्छा यहां से आधा काट के पूरा ऐड कर दिया, पूरा किया था, पूरा किया था तो माइनस सब माइनस सर इसमें किया था कॉपी में, कॉपी में क्यों किया था, कॉपी में थोड़ी करने को, इसको पूरा ऐड करना उसमें से 1200 हटा देना, नहीं तो पहले इसमें से 1200 हटा दे उसके बाद कर ले, यहाँ साइड में 12,000 हटा दे, यहाँ पे लिख दे और बस कैलकुलेट कर दे, उसमें ज्यादा टाइम लगता है इतना तक ऐड करते उसके बाद उसको माइनस करते, कोई एग्जामिनर देखेगा तो पक्का पता चलेगा कि कैसे कैसे करने का तरीका तो यही होगा कि इतना ऐड करके यहाँ पे लिखेगा माइनस इसको लिखेगा उसके बाद आएगा, मतलब अच्छा ये मिस्टेक नहीं करा कभी लाइफ में, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी अपॉन सिग्मा एफ आई, ये मेथड का नाम क्या, assuming method kali ka tumne mean find kiya to by using assuming method to likho dekho sabhi bachche board mein test honge, idhar na to koi cheating hoga na to kuch, इससे फिर ये चीज आया, अच्छा ये क्या चीज बेटा, ये के साथ इसको ऐड करेंगे उसके बाद इससे डिवाइड करेंगे, सर सर पहले डिवाइड करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो ये क्या बोल रहे हैं आप, इसके साथ इसे ऐड करो फिर डिवाइड करो, ब्रैकेट लगाओ नहीं तो इसको थोड़ा नीचे लिखो, मतलब सही होना चाहिए ना, अच्छा तुमने इसको इससे काट दिया, किधर डिवाइड किया था, सर ऐसे सर डायरेक्ट काट दिया सर, अच्छा अच्छा छोटे वाले डिवाइड तो काट दिए, तो फिर ऐड किधर किया, ऐसे कर दिया, कैसे कैसे ऐड करते हो, कैसे करो पहले सर 0.5 लिखेंगे, हां 2 और 0 सर 5 और 1 सर 6 9 और 9 17 प्लस 10 सर 26, तो 26 हो गया, तो मीन हो गया रुपीस दिस वन 2662.5 रुपीस इसका मीन हो गया। ओके तो तुम्हारा कोई जगह पे मान लो मैथ्स में फुल मार्क्स मिल ले, लेकिन ये सब जगह से तुम्हारा हाफ नंबर हटा देंगे, ये ध्यान रखना, मैथ में जिन लोग का मिस्टेक हो रहा है बेटा, जो जो बच्चे को फुल मार्क्स मिलते हैं ट्यूशन से, काफी बच्चे को मिलते हैं, मैथ में भी मिलते हैं, साइंस में मिलते हैं, एसएसटी में भी काफी मिलते हैं, इस बार एसएसटी में मिले हैं, ठीक है बेटा, तो मेन में तो कि परफेक्ट होना है, पर ऐसे नहीं कि जिन लोग को मिले हैं उन लोग पहले से बहुत अच्छा पढ़ते थे, लेकिन पढ़ने का एक हिसाब किताब होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि ये चीजें मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आएगा, मान लो तुमको मार्क्स नहीं मिला फिर रिव्यू कर लो, रिव्यू में भी नंबर बढ़ते हैं, वो तुम्हारे स्कूल के एक राहुल भैया था, उसका क्या होता है साइंस में उसको फुल में से फुल नहीं दिया था, उसको 2 नंबर और 3 नंबर कम थे, आउट ऑफ 80 ही गॉट 77, दोबारा रिव्यू कराया उसको फुल मार्क्स हो गई, ठीक है बेटा, लेकिन तुमने सही लिखा तो उसके बाद तुमने रिव्यू कराओ पेपर मंगाओ उसके बाद, ठीक है चैलेंज करो फिर आ जाएगा नंबर, परफेक्ट वे में लिखो, इसका मतलब ये होता था, अंडरस्टूड, ओके चलिए।